इस वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के वायनाड और यूपी के अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अमेठी में उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। हालांकि अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, इसलिए यहां राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन स्मृति ईरानी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अमेठी के सीट पर 1998 के बाद बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस का किला माने जाने वाले इस सीट पर राहुल गांधी 1,00,000 वोटों से जीते थे। वहीं बीजेपी के मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह इस बार बेगूसराय से चुनाव रण में हैं। बीजेपी आलाकमान ने उन्हें इस बार बिहार की नवादा सीट की जगह बेगूसराय की उम्मीदवारी सौंपी है, लेकिन उन्हें यहाँ दो तरफा टक्कर मिल रही है। एक तरफ यंग कन्हैया कुमार उनके लिए चुनौती बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन और आरजेडी उम्मीदवार तनवीर हसन भी बड़ी दावेदारी रखते हैं, इसलिए बिहार की सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट पर मुकाबला तब दिलचस्प हो गया जब बीजेपी ने यहां से जया पर्दा को उतारने का ऐलान किया। इस सीट से गठबंधन के उम्मीदवार आजम खान भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में काफी पुरानी दुश्मनी मानी जाती है। जया पर्दा और आजम खान एक दूसरे के खिलाफ लगभग हर दूसरी जनसभा में हमला बोलते हैं। अब रामपुर की लड़ाई में किसकी जीत कितनी बड़ी होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जया पर्दा अपने विपक्षी उम्मीदवार आजम खान को लेकर कई गंभीर आरोप लगाती आई है। उन्होंने आजम खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे रामपुर में नहीं घुसने दिया, मेरी अश्लील फोटो बांटकर मेरी बदनामी करने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में हैं। उन्हें इस सीट पर काफी दमदार उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा की एंट्री ने इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। पूनम सिन्हा को समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही लखनऊ की टिकट पकड़ा दी गई, जिसके बाद लखनऊ सीट पर भी सबकी निगाहें टिक गई। महागठबंधन के उम्मीदवार पूनम सिन्हा कांटे की टक्कर दे सकती है। हालांकि इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी को 2,50,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। वहीं बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा इस बार अपनी लोकसभा सीट पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से सिन्हा लगातार दो बार चुनाव जीते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा करीब 2,50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके सामने इस बार बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सिन्हा कांग्रेस में आने के बाद एक बार फिर इस सीट पर कब्जा कर पाएंगे या फिर रविशंकर प्रसाद बाजी मारेंगे।